जनपद संबल में लॉकडाउन का अनुपालन कराने के लिए पुलिस अधीक्षक चंदौसी पहुंचे। पीएम के आह्वान पर इस समय देश भर में 21 दिनों का संपूर्ण लॉकडाउन चल रहा है, जिसके तहत उत्तर प्रदेश के भी 75 जिलों में लॉकडाउन का अनुपालन कराया जा रहा है। इसी के तहत आज जनपद संबल के पुलिस अधीक्षक यमुना प्रसाद चंदौसी पहुँचे और नगर के विभिन्न बैंकों का निरीक्षण किया। साथ ही साथ शाखा प्रबंधकों से शाखा में आने वाले लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने के लिए कहा। साथ ही पुलिस अधीक्षक ने लोगों से अपील की कि वे लॉकडाउन में सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें, हाथों को सैनिटाइज करते रहें, हैंड वॉश करते रहें और मास्क का भी इस्तेमाल करें। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा था काफी दिनों से, आज क्या? जनपद संभल में लगातार लॉकडाउन का अनुपालन कराया जा रहा है। अभी जितने भी हमारे एरियाज हैं वहाँ पे पूर्ति अनुपालन कराया जा रहा है। सबसे अपील की जा रही है कि अपने घरों में रहें, अनावश्यक रूप से बाहर मत निकलें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, हैंड वॉश करते रहें, किसी भी चीज़ की कमी नहीं है। और जितने भी मेडिसिन हैं और खाने के सामान हैं, दूध है, ये सब अवेलेबल है, किसी की जमाखोरी नहीं करें। और आज घूम घूम करके सभी जितने बैंक हैं, जो जनधन के पैसे आए हैं या और भी जो पैसे आए हुए हैं, उसको लेने के लिए लोग निकल रहे हैं, उसके लिए सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन कराया जा रहा है। बैंक एम्प्लॉई से भी, बैंक मैनेजर से भी अपील की गई है कि वो सोशल डिस्टेंसिंग के लिए जो नाम से कम 2 मीटर के अनुपालन में गोला बनवा करके, एक निश्चित लाइन बनवा करके उसको वो करके रखें, जिससे सोशल डिस्टेंस का अनुपालन हो सके। सभी सब्जी मंडियों में ये निश्चित किया गया है, मेडिसिन की दुकानों पे निश्चित किया गया है, हमारे बैंकों पे निश्चित किया गया है। और सभी से अपील भी की जा रही है जितने एम्प्लॉयज हैं कि इसका अनुपालन वो स्वयं भी जागरूक होकर के कराएं, क्योंकि हर जगह हर क्षण पुलिस नहीं रह सकती है। एक राउंड घूमने के बाद पता लगता है कि वहाँ पे दोबारा भीड़ लग जाती है, इसी बात के लिए अपील की गई है कि बैंक के एम्प्लॉय लगातार उसका अनुपालन कराएं, वहाँ पे एक गोला बना दें सोशल डिस्टेंसिंग का जो 2 मीटर का है, जिससे लोग एक दूसरे से दूर खड़े हों, सभी लोग फेस मास्क लगा के रखें, हैंड सैनिटाइज करते रहें, हैंड वॉश करते रहें, और सभी से अपील की जाती है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें।